सफाई वाले आते हैं वो चले जाते हैं, अनदेखी कर देते हैं और कचरा यहाँ डालता है और सब मना दी यहाँ पे डालने के लिए, मगर लोग बाग कचरा डालते हैं यहाँ पे। मुझे ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि बोले सर डॉक्टर साहब मैं क्या कर सकता हूँ, जब सफाई में करने तो जा नहीं सकता वार्ड में झाड़ू लेके। सिविल लाइन जो है हमेशा जैम की समस्या रहती है क्योंकि बहुत पुरानी लाइनें हैं। बीजेपी का वार्ड होने के कारण इस तरीके की पार्शलिटी कर रहे हैं, यहाँ एक दिन भी सफाई नहीं होती है तो बहुत गंदगी हो जाती है। कर्मचारी छुट्टी पे हैं तो काम कैसे होगा। हमने कर्मचारियों को भी पाबंद कर रखा है कि कम से कम दो बार आए और सफाई करें। सफाई बिल्कुल अच्छी तरह नहीं होती है, मकानों के अंदर जैसे गंदा पानी भी आता है, बदबू आती है मकानों में रहने लायक मुश्किल हो जाता है। अच्छा, पार्षद ने खरीद लिया है क्या आपको? नहीं नहीं कोई खरीदता है क्या? कुछ कोई समस्या ही नहीं है आपकी? क्योंकि लोगों की आदत है अपना कचरा बाहर डालने की। खाली इतना सा थोड़ा सा कचरा निकाल के बाहर डाल गए, कलेक्टर भी जाइए, थाने में भी जाए, नगर निगम में भी जाए, सब जगह जाके आ गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है जरा सी भी। अगर किसी के ऊपर गिर गया रास्ते चलते पे तो वो मर जाएगा। झरझर मकान, गंदी गलियां, नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट जयपुर मेरी जान और मैं हूं आपके साथ सुरभी। आज हम मौजूद हैं जयपुर हेरिटेज के वार्ड नंबर 74 में। यहां हम बात करेंगे वार्ड के वासियों से, क्या यहां पे विकास कार्य हुए हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, बात करेंगे यहां के पार्षद से। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ का वार्ड दिखाते हैं। अभी हम वार्ड नंबर 74 में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे जो पीछे है पूरा कचरे का भंडार लगा हुआ है। आपने देखा अभी कचरे की गाड़ी भी गई है, लेकिन कचरे जो सफाई है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही है। यहाँ की जो वार्ड के वासी है उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम डॉक्टर शाहिद हसन है, मैं राजकीय चिकित्सा अधिकारी हूँ। लेकिन मुझे अत्यंत दुख होता है ये जानते हुए कि मैं ऐसे वार्ड में रह रहा हूँ जहाँ पिछले 15 दिन से सफाई नहीं हो रही। गाय झाड़ू वाले आते हैं वो चले जाते हैं, उनको मैं कई बार बोलता हूँ, सफाई वाले आते हैं वो चले जाते हैं, अनदेखी कर देते हैं। मैं तो पार्षद को भी इसके बारे में लिखित में और मौखिक कह चुका हूँ, लेकिन वो भी बेचारे क्या करें, वो कहते हैं आगे से स्ट्राइक हो रही है सफाई कर्मचारियों की। मैंने मेयर को, डिप्टी मेयर को बता दिया है। अब मेरी तो प्रशासन से और नगर निगम से यही आशा और मेरे विचार हैं और कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द सफाई कराएँ ताकि हमारे क्षेत्र या वार्ड साफ रहे और उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना हो। आपने पत्र लिख के भेजा है तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कितने दिन हो गए अभी तक? कार्रवाई नहीं हुई, मैंने लास्ट 7 डेज पहले डिप्टी मेयर हैं असलम फारूकी उनको लेटर डिस्पैच किया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि बोले सर डॉक्टर साहब मैं क्या कर सकता हूँ, जब सफाई में करने तो जा नहीं सकता वार्ड में झाड़ू लेके, तो कृपया करके आप कुछ वेट करें। तो वेट कहाँ तक करें, कचरा आप देख रहे हैं इतना पड़ा हुआ है जिससे बीमारियों को ये न्योता दे रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसी के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। पंजाब केसरी ने बहुत अच्छी पहल की है और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आपका क्या कहना है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कचरा फैला हुआ है, यहाँ की आप ड्रेन सिस्टम देखिए, सारी नाली ऐसे ही बह रही है, साफ सफाई के नाम पे यहाँ पे एकदम शून्य है। यहाँ के पार्षद क्या कोई कार्य करवा रहे हैं? कार्यकरण तो करवाते ही है, लेकिन ये है कि अब यहाँ बहुत ज्यादा कचरा फेंक देते हैं आके, मना ही बहुत करते हैं लेकिन मानते नहीं है, बहुत काफी मना करते हैं, लेकिन बस हमने इसी वजह से कैमरे भी लगा रखे हैं इधर ताकि अगर कोई चीज फेंके तो हमको मना करते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं और कचरा करते ही रहते हैं। एक सेकंड, यहाँ और भी पब्लिक है, हम और पब्लिक का व्यू लेंगे, क्या उनका कुछ कहना है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद जी, यहाँ पे आपको क्या क्या किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है? कचरे की समस्या है ज्यादा और है ना, यहाँ पे गाड़ी नहीं आती, जो घर घर रोड से कचरा उठाती ना वो आगे नहीं आती। कमेटी पास में है यहाँ की और कचरा यहाँ डलता है और सब मना दी यहाँ पे डालने के लिए, मगर लोग बाग कचरा डालते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की जो है वो सुनवाई हो नहीं रही है। 15 दिन से जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल पे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। मस्जिद सामने यहाँ कचरा पड़ा रहता है, यहाँ जुम्मा भी ना पढ़ने वाले आते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है कचरा डल रहे।
हमने पूरे वार्ड नंबर 74 का निरीक्षण किया, आपने देखा यहाँ की हकीकत। अब उनकी पार्षद से यहाँ बात कर लेते हैं हम, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो मैम, सबसे पहले मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि अभी हमने आपके वार्ड का निरीक्षण किया, कई विकास कार्य आपने कराए, हम लोगों ने देखा, तो अब क्या क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, अभी 2.5 साल का लगभग कार्यकाल बचा है, और वैसे तो मैं पिछली बार भी यहाँ से पार्षद थी लगभग, क्योंकि शहर का वार्ड है और बहुत सारे काम यहाँ हो चुके हैं, लेकिन यहाँ सिविल लाइन जो है हमेशा जैम की समस्या रहती है, क्योंकि बहुत पुरानी लाइनें हैं और अभी तक हम उसे 100% चेंज नहीं कर पाए। तो मेरी कोशिश यही है कि इस कार्यकाल में जितनी भी पुरानी सिविल लाइन्स हैं हम उनको चेंज कर दें, और जो पार्किंग की समस्या है उसका भी हम कोई निदान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं पार्किंग का स्थान मिल जाए। लगभग सभी रोड का काम हो चुका है, लेकिन कुछ यहाँ क्योंकि आए दिन गंदे पानी की समस्या, शहर का वार्ड है, छोटी गलियाँ हैं, तो रोड के भी कई काम रहते हैं। मेरी प्रायोरिटी में यहाँ ये है कि हम जो यहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं, अतिक्रमण है, उसको समाप्त करें। अच्छा, हम लोगों से भी मिले, लोगों का कहना है कि काफ़ी टाइम से जो है 15 दिनों से तो हड़ताल चल रही है, हमने कई जगह देखा कि कचरा अभी तक वैसा ही पड़ा है, गाड़ियाँ भी आ रही है, लेकिन काम हो नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये बहुत डेंसिटी वाला वार्ड है, यहाँ अगर एक दिन भी सफाई नहीं होती है तो कचरे के ढेर लग जाते हैं। मेरे वार्ड में रेगुलर हूपर और सफाई कर्मचारी अच्छी सफाई करते हैं, लेकिन क्योंकि इतने दिनों का कचरा है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा साफ होने, थोड़ा टाइम का। लेकिन मैम, उनका ये कहना है, हमने ज़मीनी हकीकत देखी, हम लोगों से रूबरू हुए, उन लोगों का कहना है कि यहाँ कभी ऐसा होता ही नहीं है कि टाइम टू टाइम सफाई हो जाए, कचरा जगह पड़ा रहता है, नालियों का आप देख लो अभी ये हालत है, तो बारिशों के टाइम में क्या होता होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप 15 साल हो गए आपको और अभी आप विकास कार्य की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत शून्य है। देखिए, शायद आपने ढंग से पड़ताल नहीं की होगी, विकास कार्य तो आप जहाँ देखेंगे आपको कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि जहाँ रोड नहीं हो, नाली नहीं हो। रही बात सफाई की, तो ये शहर का वार्ड है, शायद यहाँ एक दिन भी सफाई नहीं होती है तो बहुत गंदगी हो जाती है, और प्लस लोगों की जो आदत है वो कचरा रोड पर डालने की है। हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों को समझाएँ, यहाँ रेगुलर सफाई होती है और लगभग क्षेत्र का मैं रोज़ निरीक्षण भी करती हूँ, तो मोस्टली जगह पे सफाई रहती है। कचरा डिपो की समस्या ज़रूर कुछ जगह पे है, जिसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा हुपर मांगा है और जल्दी हमें वो मिलेगा और प्रॉपर सफाई की हम व्यवस्था करवाएंगे। इस साल के जो बजट में सरकार ने जो दिया है 95 करोड़ का जो लगभग बजट दिया गया है यहाँ की साफ़ सफाई को लेकर, तो अभी जो प्लान है आपके और क्या क्या है? देखिए, सफाई की व्यवस्था, क्योंकि शहर का ये क्षेत्र है तो यहाँ 2 टाइम सफाई होना अति आवश्यक है। हमने कर्मचारियों को भी पाबंद कर रखा है कि कम से कम 2 बार आएं और सफाई करें, बजट ज़रूर हमारे। लेकिन आपको लग रहा है कि वाकई काम हो रहा है? देखिए, काम तो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये स्ट्राइक थी, आप इस समय आए हैं तो आपको थोड़ा गंदगी मिली होगी निसंदेह, 5-6 दिन से स्ट्राइक है। कर्मचारी जब काम पर नहीं आएगा तो हम लोग तो, क्योंकि लोगों की आदत है अपना कचरा बाहर डालने की, तो कचरा निसंदेह अभी दिखा होगा, लेकिन जल्द ही ये कचरे से हमें निजात मिलेगी, क्योंकि अब सफाई कर्मचारी वापस से लौट आए हैं। रही बात बजट की, तो जब साधारण सफाई नहीं हो रही है नगर निगम में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमें उस बजट में से क्या मिलने वाला है। वैसे भी हम बीजेपी के पार्षद हैं और कांग्रेस हमेशा कोशिश करती है कि हमारे वार्डों में विकास कार्य, क्योंकि अभी आपने जो देखा है वो बानगी है इन 4 सालों की। उससे पहले जब भी हमने कोई चीज़, हमने कोशिश की हमारे वार्ड को अच्छा बनाने की, तो हमेशा हमें संसाधन मिले, लेकिन इस समय जब से कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी के सभी पार्षदों को परेशान किया जा रहा है, अनावश्यक हमें संसाधन नहीं दिए जाते किसी भी तरह से, ना विकास कार्यों के लिए हमें बजट दिया जा रहा है, साधारण सभा नहीं हो रही है और इसके लिए कोई जिम्मेदारी भी तय नहीं है, ना सरकार अवेयर है ना मेयर अवेयर है। अच्छा, आप हेरिटेज के हैं, है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रेटर में कांग्रेस है और बीजेपी वाले इसलिए कार्य नहीं कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की मेयर तो हेरिटेज में है, ग्रेटर में तो जो काम है वो जो मेयर कर सकती हैं वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार कांग्रेस की होने के वजह से उन्हें भी दिक्कत आती है, प्लस यहाँ बीजेपी के पार्षदों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि काम को बिल्कुल ऐसा डिवाइड किया है कि कांग्रेसी वार्डों में ही ज़्यादा काम हो, बीजेपी के वार्डों में काम ना हो पाए। अच्छा, आपके जो कार्यकाल है इतने साल में, आपकी कोई ऐसी 3 उपलब्धियाँ जो आपने यहाँ के विकास कार्यों के लिए की गई हो? देखिए, उपलब्धियों में मैं कहूँगी कि लगभग वार्ड की जितनी 80% सीवर लाइन मैंने चेंज कराई है,
उसके अलावा यहाँ जो भी रोड है, क्योंकि यहाँ ये शहर है, वैसे यहाँ रोड बनती रहती है, टूटती रहती है, लेकिन लगभग सभी 95% रोड आज की तारीख में भी आपको ठीक मिलेगी। उसके अलावा हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं वो रेगुलर सफाई करते हैं, हुपर टाइम से रेगुलर यहाँ आते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं वार्ड में घूम के जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो उसका निवारण करूँ, निस्तारण करूँ। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनके समर्थक, उन लोगों से जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। तो सर, आपका क्या नाम है? प्रभात कुमार शर्मा। प्रभात जी, आपका क्या कहना है यहाँ के विकास कार्यों को लेकर? हमारे वार्ड की जो पार्षदा हैं कुसुम जी, उन्होंने मेरा वार्ड, मेरा परिवार मान के वार्ड के अंदर भागीरथी बन कर के विकास के कार्यों की गंगा बहा दी, इसमें कोई संशय नहीं है। हम उनके कार्य से पूर्ण संतुष्ट हैं। सफाई व्यवस्था भी यथासंभव पूर्ण रूपेण कराने होती है, और कचरा तो जैसे स्ट्राइक थी इसलिए नहीं उठा, बाकी कचरा भी टाइम टू टाइम उठ रहा है, संसाधन भी मिल रहे हैं। आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगी कि क्या सिर्फ कचरे की बात है, यहाँ आप नालियाँ देख लीजिए, क्योंकि इतने साल का कार्यकाल है वो सक्रिय है, क्या अभी तक सिर्फ, आप ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ 15 दिन की हड़ताल है, क्या ये नालियाँ जो हैं खुली हुई हैं इनसे कचरा नहीं होता? उन पर भी तो विकास कार्य किया जाना चाहिए था। जो टूटी हुई नालियाँ आपको दिख रही है, इनको सुधारने के लिए यथासंभव पूर्ण प्रयास किया है पार्षद ने अपने स्तर पे, किंतु विरोधी सरकार होने के कारण, कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी के पार्षदों की अनदेखी की है, उनके वार्डों की अनदेखी की है, और किसी भी प्रकार का जो विकास कार्य है वो किसी भी तरीके से अवरुद्ध हो। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की भी मानसिकता यही है कि वो बीजेपी का वार्ड होने के कारण इस तरीके की पार्शलिटी कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है, और जनता उसको स्वीकार भी नहीं करती है। धरातल की सच्चाई तो हमने देखी है, लेकिन आपका क्या कहना है कि कुसुम जी ने ये विकास कार्य किए हैं उनको लेकर? मैडम, कुसुम जी ने अपनी यथासंभव 95% जनता के दिलों से जुड़ी हुई है, उनकी हर समस्या का अब तक यथासंभव निवारण किया है। यहाँ की जनता चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, चाहे रात हो, कभी भी उनको फ़ोन किया है तो उनकी समस्या का समाधान करने की पूरा प्रयत्न किया, और जहाँ तक है सभी की समस्याएं उन्होंने पूरी सुधार करी है। सर, आपका क्या नाम है? राकेश शर्मा मेरा नाम है। राकेश जी, आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं? 38 वर्ष 38 ईयर्स आपको हो चुके हैं। अभी तक विकास कार्यों के नाम पे यहाँ पे क्या क्या हुआ है? विकास के नाम पे सारे कार्य बहुत अच्छे हुए हैं, कोई समस्या नहीं है, पर मैं एक ही समस्या ये कहूँगा, मेयर साहिबा इस एरिया में दौरा नहीं करती है वार्डों में। उसकी स्थिति यह है कि जो सफाई कर्मचारी, जो वाल्मीकि समाज है, वो परेशान है। जो हाथ की गाड़ियाँ हैं उनके पास नहीं है, तो वो सामान जो कचरा उठाए कैसे उठाए, मतलब कचरा यहाँ रखा हो तो वहाँ से कहाँ तक कैसे जाएगा, संभव नहीं है। लेकिन ये तो आपके वार्ड की पार्षद का काम है ना कि वो सब वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, तो उस पर आप कोटा तो आगे से ही आएगा मैडम भाई, निगम अगर कमिश्नर अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं वो लेवल के आइए जब देंगे। हड़ताल तो अभी चल रही है सिर्फ 15 दिन से, क्या लेकिन हड़ताल की चल रही है अपना, सफाई आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, एक बार घुमाइए कैमरे को, पूरा साफ सुथरा है। ये तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम पूरे वार्ड का निरीक्षण करते आए हैं और हमने जमीनी हकीकत देखी है, तो ये तो कहना गलत ही साबित होगा क्योंकि हमने सब चीज़ें देखी है। तो क्या लगता है कि सिर्फ अभी सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हुई है? अभी नहीं हुई ऐसा नहीं है, पर हड़ताल में कर्मचारी छुट्टी पे थे मैडम, 5 दिन तो नेचुरल रहेगा ना, इतनी जनता, इतनी हाई लेवल पर जनता है, वो स्वयं गंदगी करेगी तो सफाई कैसे करेगी? कर्मचारी छुट्टी पे है तो काम कैसे होगा भाई? अवकाश हो गया 5 दिन का, उसके बाद आप आए आप सफाई देखिए, अब तो फिर निश्चित चल रही है। और कुसुम जी यादव के वार्ड के अंदर सब लोग स्वस्थ हैं और एकदम अच्छे हैं, अब देखिए आप सफाई के मामले में कोई समस्या है ही नहीं, पर कर्मचारी को उनका सामान तो मिले, उनको औजार तो मिले काम के प्रति। चलिए, तो अभी आपने हमने बात करी यहाँ की पार्षद से, उनके समर्थकों से, उनका कहना है कि यहाँ पे जो विकास कार्य है वो एक अच्छे लेवल पे किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ यहाँ के लोगों की जो हड़ताल चल रही है सिर्फ ये यहाँ की नाकामी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की जो है वो पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि हमने उनसे बात करी, अब हम इनके पूरे वार्ड का निरीक्षण कर लेते हैं और जनता का क्या कहना है। अभी हमने यहाँ पे पार्षद से बात करी, पार्षद से पहले हमने कुछ एक लोगों से बात करी थी। यहाँ की पार्षद का कहना है कि यहाँ पे 95% जो है वो विकास कार्य हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ यहाँ जो नालियाँ हैं वो ऐसे ही बहरी हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो यहाँ पे एकदम खतरे की घंटी साबित हो रखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो उसका पूरा स्टैंड है वो यहाँ की नाली में बह रहा है। चलो यहाँ पे अभी बारिश तो नहीं है, लेकिन अगर बारिश होती है तो ये कितना करंट जो है वो किसी को भी लग सकता है, किसी की जान जा सकती है। यहाँ पे और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम शाश्वत है। शाश्वत, आपका क्या कहना है, क्या क्या स्थिति रहती है विकास कार्य के बारे में? हमने अभी पार्षद से बात करी, पार्षद ने कहा यहाँ पे हमने बहुत कार्य करा चुके हैं, आपको क्या लगता है जमीनी हकीकत क्या है? मैम एक्चुअली में यहाँ पर बिल्कुल भी सफाई कर्मचारी आते हैं और जो कचरा उठाते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ जाते हैं और सफाई बिल्कुल अच्छी तरह नहीं होती है और गलियों की हालत भी ऐसी है बुरी। और जो ये मीटर वगैरह, जैसा कि आपने कहा कि ये बिजली के बोर्ड वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डेंजरस हो सकती है बारिश के मौसम में, और ये तार वगैरह भी बहुत सारे ऐसे ही फैले हुए हैं। तो पार्षद, मैं पार्षद जी को भी जानता हूँ अच्छी तरह, उनको मैं हज़ार बार कह चुका हूँ कि इस तरीके की सफाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं आती हमें, फिर भी वो कुछ ध्यान नहीं है वार्ड की तरफ से। देखो, जब पार्षद का इलेक्शन होता है तब उनका काम होता है घर घर जाकर जनता से वोट मांगना, लेकिन वोट मिल गए ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या वो घर घर आती है विकास कार्यों की क्या क्या समस्याएं जानने के लिए? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं है, उनको सिर्फ अपने मनोरंजन से फुर्सत मिलती नहीं है और वो कभी भी ये मतलब किसी के पास आके पूछना नहीं चाहते और उनको अच्छा भी नहीं लगता मेरे हिसाब से कि विकास के हिसाब से क्या हो रहा है, किसी के भी घर में नहीं पूछने आते हैं और वो इलेक्शन के बाद आराम से बैठ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक है वो उनके सिर्फ खिलाफ ही बोल रही है, मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पे विकास के कार्य में आखिर हुआ क्या है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जो विकास के कार्य पे एकदम शून्य है, यहाँ पे नालियाँ हैं, बारिशों के टाइम पे यहाँ की जो हालत है वो बुरी हो सकती है, तार यहाँ पे उलझे पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है मकान है, मकान के पीछे यहाँ पे घर के पीछे ही जस्ट नाली बह रही है। इस मकान के मालिक से हम बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या कहना है, क्योंकि बारिश आप देख सकते हैं पूरा पानी से फिलअप है पूरी जो कॉलोनी है, तो यहाँ पे बारिशों के सीजन में मच्छर भी पनपते होंगे, तो क्या परेशानियाँ होती है? मच्छर खूब होते हैं, गंदगी रहती है, बदबू आती है और गलियों से सीम पूरी आ रही है, पूरी टूटी हुई है, जिससे मकानों को क्षति पहुंच रही है। मकानों के अंदर जैसे गंदा पानी भी आता है, बदबू आती है मकानों में रहने लायक मुश्किल हो जाता है। बरसात के दिनों में हमको बहुत तकलीफ दे होता है ये काम। अभी जो नालियां बनाई थी इन्होंने उसको कई जगह तोड़ दी, अंदर चूहे घुस रहे हैं मकानों में, अंदर के अंदर मकानों को पोले करते जा रहे हैं। अब कितना कम ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ का, खूब मच्छर है, गाय जानवर अंदर घुस जाते हैं, न्यूसेंस फैलता है, कोई जानवर मर गया तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ की जो आम जनता है वो त्रस्त है, क्योंकि सुनवाई तो यहाँ पे हो ही नहीं रही है, सुनवाई के नाम पे बिल्कुल शून्य है। लोगों का कहना है कि हमारे जो मकान है, मकान के पीछे ही जो है नदी नाले हैं वो बह रहे हैं। विकास के कार्य की बात करी थी उन्होंने, ड्रेन सिस्टम को बंद कराने की बात करी थी, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं स्थिति, ये देखो ऐसे ही सब कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, यहाँ पे तार उलझे पड़े हैं। हम यहाँ पे और भी गलियों का रुख करेंगे और देखते हैं आगे की क्या स्थिति है, क्या जनता यहाँ की कहती है। फिलहाल चलिए मेरे साथ। घर के बाहर ये रैंप है, बिल्कुल रिस्की है, अगर यहाँ छोटा बच्चा आ जाए तो वो जरा सा भी पैर स्लिप हुए तो वो गिर भी सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने की स्थिति ये है। तो यहाँ की जनता को सुख सुविधा के नाम पे तो मुझे तो नहीं लगता कि विकास कार्य किए गए हैं। यहाँ की जनता से जान लेते हैं, आपका क्या कहना है यहाँ के विकास कार्य को लेकर, विकास के नाम पर आप क्या चाहते हैं पार्षद से? भाई विकास के नाम से यही है कि साफ सफाई रहे, लाइटें दुरुस्त रहे और जो भी खड्डे वड्डे हैं वो सब ध्यान देवे ना, खड्डों में तब आदमी एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेक लगाना पड़ता है, गिर जाता है, वो सब चीज़ों को देख रेख करना चाहिए। आप वोट देते हैं ठीक है, वोट के टाइम पे पार्षद घर घर जाती है, लेकिन क्या वोट के बाद भी जो पार्षद है वो बिल्कुल सक्रिय है, क्या एक एक घर पे आके समस्या को पूछती है? वोट के बाद कोई सक्रिय नहीं, उनको चक्कर लगाते रहो आप कोई भी काम के लिए, चार चार पाँच बार। पार्किंग तक की सुविधा नहीं है, और एक वो मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि वो एरिया बिल्कुल कवर करे, गाड़ियाँ पूरा जो है वो कचरा बिल्कुल भरा हुआ है, गाड़ियाँ कोने में से निकल के आ रही है। विकास कार्य देखिए आप यहाँ के जो किए जा रहे हैं यहाँ के पार्षद के द्वारा, यहाँ पे इनसे जान लेते हैं आपका क्या कहना है, यहाँ पे कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, गाड़ियों को निकलने तक की जगह नहीं है। कल उठ गया था ना, स्ट्राइक थी। हाँ स्ट्राइक थी, लेकिन अभी ये उठा है, क्या सच में उठ चुका है? नहीं ये तो फिर आ गया, रोज आ जाता है, एक दिन में इतना कचरा आ जाता है। आस पास कोई है नहीं ना डिपो। अच्छा आपके यहाँ देख सकते हैं कितना गंदगी है, तो बारिशों में यहाँ का क्या स्थिति होती है? ठीक ठाक है, पानी भर जाता है थोड़ा थोड़ा। पार्षद ने खरीद लिया है क्या आपको? नहीं नहीं
कोई खरीदता है क्या? कुछ कोई समस्या ही नहीं है आपकी? नहीं, समस्या है तो बहुत है, लेकिन अब ये तो ऐसे ही रहेगा, क्या करें इसका? लेकिन क्या आपको डालने की जगह कहाँ है? ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कचरा डालने की जगह यहाँ पे निकलने तक तो इंसान के जगह नहीं है? तो यहाँ तक आ रहा था ये पूरी रोड पे, स्ट्राइक थी तो कहाँ से उठता, तो हर दो तीन दिन में उठ ही जाता है। और उससे पहले तक यहाँ पे बिल्कुल सफाई थी? हाँ हाँ, चल रही थी सफाई, तो ठीक ठाक थी। तो देखो, आप खुद अपनी ज़मीनी हकीकत आप देख सकते हैं, कुछ लोग फेवर में भी बोल रहे हैं, कुछ लोग अधिकतर लोगों को समस्याएं हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तारों का, कितनी रिस्की ये जगह है। दिखा दो यहाँ की जो हालात है, यहाँ मकान जो है वो टूटा हुआ है और आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल भरा हुआ है यहाँ। मतलब इंसान का रहना तो एकदम दुर्बर है, क्योंकि यहाँ बदबू सी इतनी स्मेल है इतनी ज़्यादा। और इस मकान के मालिक से हम बात कर लेते हैं। आपका क्या कहना है, कोई विकास कार्य हुआ, आपने पार्षद को कोई अपील करी? नहीं करा, देख लो कितने साल हो गए बोलते बोलते हैं, सबकी गलियां साफ हो रही है लेकिन हमारी गली साफ नहीं होती। हमने कितनी बार नगर निगम में भी है ना फोटो डाल रखी है, इनकी एप्लीकेशन लगा रखी है, सब जगह कर दी। कुसुम यादव जी को भी कितनी बार बोल दिया, अजय साहब जी को कितनी बार बोल दिया, कुछ नहीं, बोले हाँ कर देंगे हाँ कर देंगे। अभी गलियां साफ हुई थी सर, इतना सा थोड़ा सा कचरा निकाल के बाहर डाल गए, वो कचरा भी नहीं उठा। हमने बार बार में बोल के सारा कचरा उठवाया यहाँ से। आप खुद देख लो क्या हाल हो रहा है, जब भी तेज बारिश आ जाती है ना, ये समझ लो पूरा पानी है ना अंदर तक पूरा पानी नीमों में भर रहा है सारा, आप खुद देख सकते हो इस चीज को। एक बार इनके हस्बैंड से भी बात कर लेते हैं, आपका क्या कहना है? ये चार पांच फुट तो ये पानी भरा हुआ है गली के अंदर और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कलेक्टर भी जाइए, थाने में भी जाए, नगर निगम में भी जाए, सब जगह जाके आवे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है जरा सी भी। पार्षद को अपने पार्षद जी को भी कह दिया हमने, पार्षद ने यहाँ पे खुद आके देखा, ये जो वो तो यही आते इस गली से रोज निकलते हैं, रोज निकलते हैं। क्या अभी तक उन्होंने कोई ऐसी सांत्वना दी कि अभी हो जाएगा या कब? कुसुम जी को बोलते हैं ना तो वैसे बोलते हैं कि तुम्हारी गली इतनी वो है कि अगर जरा से भी हमारा मजदूर भी कुछ आना, अगर किसी के ऊपर कुछ भी गिर गया ना तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, तो हम मजदूर को डालने के लिए तैयार हैं। कोई बात, ये मकान ये दीवार गिरे तो ये खतरा खत्म हो जाए, खत्म हो गया, ये साफ हो सकता है, लेकिन ये गिराते नहीं नगर निगम। अगर किसी के ऊपर गिर गया रास्ते चलते पे तो वो मर जाएगा। ये सारी गिरी भी पड़ी है सारी, इधर से ये गिर गई और बोले दोबारा से, बोले जरा सी भी कोई सुनता नहीं है। मकान मालिक भी केस जीत गया लेकिन मकान मालिक भी कुछ नहीं कर रहा। और ये है ना देखो कितना भरा हुआ है, ये हमारी दुकान है, ये अब दुकान वो गैरेज थी, गैरेज के अंदर हमने खाली कर दिया, तो ये सारा शटर भी नीचे आ गया, दीवारें भी। कब से है ये ऐसे? चार पांच साल से ज्यादा हो गई है, पांच साल में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, सुनवाई नहीं हो रही है, सब जगह एप्लीकेशन लगी हुई हमारी। कम से कम चार साल पहले तो हम कलेक्टर में जाके आए, वहां भी नहीं सुनवाई हुई, खाली आगे का इतना सा कचरा साफ करते हैं, इतना सा आगे से कोई निकालता नहीं है वहां से। अब कितना है देखो 5-6 फुट, ये मैंने तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये साफ बयां कर रही हैं कि यहाँ की जो पार्षद है उनका जो काम है वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी हम आप उनसे मिले थे, 75% जो कार्य हुए थे वो ये है उनकी स्थिति। आप देखिए फोटो बकायदा हमारे पास है, यहाँ के लोग इतनी जनता त्रस्त है, ये खुद मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगी इसको एकदम जूम करके दिखाइए। ये हमारे नाले हैं तो ये साफ हो, जब भी तो हम नाले दूसरे डलवाएं तो अंदर हो जाएगा सारा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ की जो इस वार्ड की जो जनता है वो कोई और वोट देती हो तो इसलिए यहाँ के विकास कार्य में कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है? इस गली में तो बीजेपी का है, इस गली में बीजेपी वाले हैं सारे, सब सारे वोट यहीं पे जाते हैं हमारे, तो शुरू से हम यहीं पे देते हैं, हम तो पांच छह भाई रहते हैं यहाँ, सभी यहीं देते हैं, हम उनको ही देते हैं वोट, एक बार भी हमने भाई उनको नहीं दिया हमारे को। तो जब वो वोट मांगने आती है, जब वो यहाँ पे आती होंगी, कह देते हैं करवा देंगे ऐसे कर देते, बिल्कुल हमारे यहाँ तक ही करते हैं, यहाँ तक ही, फिर आगे नहीं करवाते हैं फिर। बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ खड़े होना इतना दुर्बर हो रहा है, इतनी यहाँ पे स्मेल है, अभी तक यहाँ पे 5 साल से ज्यादा हो गया है। और ये तस्वीर जो है, तस्वीरें हैं, ये बयां कर रही है यहाँ की हालात, यहाँ पे क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं, इस तरह के यहाँ पे विकास कार्य किए जा रहे हैं। जनता त्रस्त है, जनता चाहती है कि सुनवाई हो, यहाँ पे थाने में भी एप्लीकेशन दे दी गई है, यहाँ पे पार्षद को भी एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्य यहाँ पे किया नहीं जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो इनकी फैमिली है जो इतनी इस तरह की परेशानी का सामना कर रही है उसके लिए एक्शन लिया जाए। फिलहाल हम और लोगों से भी यहाँ बात कर लेते हैं।
कुसुम यादव के घर के जस्ट बाहर ही एक हलवाई वाले की दुकान है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है यहाँ के विकास कार्य को लेके। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र धर्मेंद्र जी, यहाँ पे आपकी दुकान को कितने साल हो चुके हैं? 45-50 साल। 45-50 साल। आपके जस्ट पीछे ही पार्षद रहती है, तो आपका क्या कहना है यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके? बढ़िया है व्यवस्थाएं, नॉर्मली जो तकलीफ है वो तो आती है, उसमें उनका कोई वो नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि यहाँ के विकास कार्य को गति नहीं मिल रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे नीचे ही नालियाँ बह रही है और बारिश आ जाए तो यहाँ पे जो हाल है वो तो बहुत बुरे हो जाते हैं। 25 साल से देख रहे हैं, इनमें वो कुछ नहीं कर सकती। वो कैसे कुछ नहीं कर सकती, वो यहाँ की पार्षद हैं, आप जाके बोलिए। सफाई कर्मचारियों को खींच के रखती है, पहले से काफी अच्छा है। लेकिन क्या आपको लगता है वाकई खींच के रखती है, क्योंकि देख सकते हो कचरा कितना है और अगर बारिश आ जाए तो यहाँ के अगर इतना पानी भर जाए तो लोग चीजें लेना तक पसंद नहीं करेंगे? बिल्कुल, जरा सा हमेशा होता है, तो जरा सी बारिश आ जाएगी ना 10 मिनट भी तो पानी आएगा ही आएगा। तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र जी, उनका कहना है कि आगे विकास कार्य जो है ये ऐसे ही लगातार चलता रहता है। हमने यहाँ के लोगों का निरीक्षण किया, यहाँ के लोगों से बात करी, यहाँ की पार्षद कुसुम यादव से बात करी। लोगों का कहना है कि यहाँ पे हम उनके पास कई बार गए, उन्होंने हमारी सुनवाई करी, लेकिन पार्षद का कहना है कि क्या मैं एक एक घर में जाके सफाई करूँगी? तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ की पार्षद कहती है कि यहाँ के 95% काम हो गए हैं और ये उनकी गति है, तो मुझे लगता है कि उनको जो अपनी गति है इसको रफ्तार दे के कम से कम 1000% बढ़ा देनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और स्पेशली यहाँ की जो पार्षद है वो इस कार्यक्रम को देखे और यहाँ के कार्य हैं, विकास कार्य, उनकी गति को बढ़ा दे। तो मैं सुरभि आज का यही कार्यक्रम यही ख़त्म करते हैं, हमारे सहयोगी विक्रम सिंह भाटी के साथ देखते रहिए पंजाब केसरी।